सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने सोमवार को तलाक को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर पति पत्नी के रिश्ते टूट चुके हों और सुलह की गुंजाइश न बची हो तो वह भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत बिना फैमिली कोर्ट भेजे तलाक को मंजूरी दे सकता है। इसके लिए 6 महीने का इंतजार अनिवार्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में मामले को फैमिली कोर्ट भेजना और 6 से 18 महीने का वेटिंग पीरियड भी अनिवार्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैक्टर्स भी तय किए हैं जिनके आधार पर शादी को सुलह से परे माना जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट यह भी सुनिश्चित करेगा कि पति पत्नी के बीच बराबरी कैसे रहेगी। इसमें मेंटेनेंस, एलिमनी और बच्चों की कस्टडी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अदालत के लिए संभव है कि यदि विवाह में सुलह की कोई गुंजाइश न बची हो तो इसे भंग कर सकती है। यह मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन केस में दिया है। दोनों ने साल 2014 में उच्चतम न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी और संविधान के आर्टिकल 142 के तहत तलाक की मांग डाइवोर्स एप्लीकेशन की थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस फैसले को आधार बनाकर तलाक का मुकदमा सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि तलाक के लिए निचली अदालत की जो प्रक्रिया है उसका पालन करना पड़ेगा। अगर निचली अदालत के किसी आदेश के चलते समस्या आ रही हो तो पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि मामले को लंबा खींचने के बजाय तलाक का आदेश दे देना सही है तभी वो ऐसा आदेश देगा। अभी तलाक के क्या प्रावधान है आइए थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13(b) में आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान है। सेक्शन 13(b)(1) में कहा गया है कि पति पत्नी तलाक के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती हैं। इसका आधार यह होना चाहिए कि दोनों साल भर या इससे ज्यादा वक्त से अलग रह रहे हों या साथ रहना संभव न हो अथवा दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया हो। इसी तरह हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(b)(2) में कहा गया है कि दोनों पक्षों को तलाक की अर्जी दाखिल करने की तिथि से 6 से 18 महीने के बीच इंतजार करना होगा। यह वक्त कूलिंग पीरियड इसलिए दिया गया है ताकि यदि दोनों पक्ष यदि राजी हो या इस बीच मन बदल जाए तो अपनी वर्जी वापस ले सके। निर्धारित वेटिंग पीरियड बीतने के बाद और दोनों पक्षों को सुनने के बाद यदि कोर्ट को लगता है तो वह जांच कर तलाक को मंजूरी दे सकती है। हालांकि यह प्रावधान तभी लागू होता है जब विवाह को कम से कम 1 साल बीत चुका हो। अब किस आधार पर तलाक ले सकते हैं इसके बारे में भी जानते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मुताबिक पति पत्नी में से कोई तलाक की अर्जी दाखिल कर सकता है। इसके लिए एडल्ट्री, व्यभिचार, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, जबरन धर्म परिवर्तन, परित्याग, कुष्ठ रोग, यौन रोग और मृत्यु की संभावना जैसे ग्राउंड हो सकते हैं। अब प्रश्न है, क्या शादी के साल भर के अंदर नहीं ले सकते हैं तलाक? तलाक ले सकते हैं 1 साल के अंदर। हिंदू मैरिज एक्ट में कहा गया है कि किसी असाधारण स्थिति या कठिन परिस्थिति में विवाह के साल भर के अंदर भी तलाक की अर्जी दी जा सकती है। इसके लिए धारा 14 में प्रावधान किया गया है। इसी तरह असाधारण परिस्थितियों में धारा 13(b)(2) में छूट, कूलिंग अथवा वेटिंग पीरियड से छूट के लिए भी फैमिली कोर्ट में अर्जी दी जा सकती है। साल 2021 के बहुचर्चित अमित कुमार वर्सेस सुमन बेनीवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि किसी रिश्ते में दोबारा समझौते की जरा सी भी गुंजाइश बची हो तो तलाक की अर्जी दाखिल करने की तिथि से अगले 6 महीने का कूलिंग पीरियड अनिवार्य है। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि समझौते की जरा सी भी गुंजाइश नहीं है तब कूलिंग पीरियड को लागू करना दोनों पक्षों के लिए पीड़ादायक है। तलाक की मौजूदा प्रक्रिया से में क्या दिक्कत है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। तलाक की जो मौजूदा प्रक्रिया है वह बहुत लंबी और थकाऊ है। दोनों पक्ष पहले फैमिली कोर्ट जाते हैं क्योंकि फैमिली कोर्ट में तलाक के इतने मामले पेंडिंग हैं, ऐसे में फैसला आने में लंबा वक्त लग जाता है। हालांकि व्यवस्था पहले से है कि यदि दोनों पक्ष जल्दी तलाक चाहते हैं तो आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
आर्टिकल 142 का उपखंड सबसेक्शन एक कहता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि दोनों पक्षों के न्याय के लिए यह जरूरी है तो वह जरूरी आदेश अथवा डिक्री पारित कर सकता है। यह मामला संविधान पीठ के पास कब भेजा गया था इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी लेते हैं। डिवीजन बेंच ने 29 जून 2016 को यह मामला 5 जजों की संविधान पीठ को रेफर किया था। 5 याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद बेंच ने 20 सितंबर 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन में थोड़ा समय लगता है और कभी कभी कानून लाना आसान होता है लेकिन समाज को इसके साथ बदलने के लिए राजी करना मुश्किल होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।